आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। देश और दुनिया भर की सारी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, सवाल उठेंगे, जवाब मांगे जाएंगे। क्या सरकार जवाब देने के लिए तैयार है? क्या विपक्ष सवालों से भाग पाएगा? बने रहिए हमारे साथ सच्चाई की तह तक जाने के लिए। आखिरकार आर जीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का फैसला ले लिया है। शनिवार से अस्पताल में सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। हिजबुल्लाह चीफ टीवी पर धमकी ही दे रहा था कि इजरायली विमानों ने लेबनान में हवाई हमला कर दिया। क्या यह जंग की शुरुआत है? खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अमेरिका में एनएसए डोभाल के खिलाफ केस कर दिया है। क्या यह भारत अमेरिका संबंधों में दरार पैदा करेगा? टीडीपी ने तिरुपति भेजे गए घी में पशुओं की चर्बी और मछली का तेल होने का दावा किया है। क्या यह हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है? नई सरकार की कैबिनेट लिस्ट सामने आ गई है। आतिशी समेत 5 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे। चीनी दूत ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। क्या यह रिश्तों में सुधार की निशानी है? रामपुर में देहरादून एक्सप्रेस को पलटने की एक और साजिश नाकाम हो गई है। रेलवे ट्रैक पर 7 मीटर लंबा खंभा मिला है। पीएम मोदी को मिले तोहफों की ई नीलामी शुरू हो गई है। क्या यह जनता के पैसों की बर्बादी है या नेक काम के लिए एक पहल? सीआरपीएफ ने मणिपुर के लोगों को अपनी कैंटीन में खास छूट देने का फैसला किया है। क्या यह हिंसा प्रभावित राज्य के लिए राहत भरी खबर है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश की है। लेबनान के हवाई अड्डे से विमान में पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर रोक लगा दी गई है। कतर एयरवेज ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हरियाणा चुनाव के लिए केजरीवाल आज यमुनानगर के जगधारी में एक रोड शो के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने के पाकिस्तान के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को राजनीतिक जागीरदारी से मुक्ति दिलाएंगे पीएम मोदी। पन्नून मामले में अमेरिकी अदालत के समन पर भारत का कड़ा विरोध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय में भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर थे। योगी ने यह भी आरोप लगाया कि सपा ने केवल अपने परिवार और करीबी लोगों का ही भला किया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सपा के झूठे वादों में न आएं और सुशासन के लिए भाजपा का समर्थन करें। FATF की चेतावनी, भारत पर ISIS और अलकायदा से खतरा। अश्विन जडेजा की जोड़ी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। ट्रेविस हेड के तूफान में उड़ा इंग्लैंड। आज के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या आगे बढ़ पाएगा विपक्ष? क्या सरकार के पास जवाब है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए चैनल का नाम सच्चाई की आवाज आपके साथ।